नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। रामपुर में शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या, परिजनों का हंगामा। लॉकडाउन में अर्जुन बिजलानी ने सेलिब्रेट किया एनिवर्सरी, दिया रोमांटिक पोज। रिलायंस के राइट्स इशू की धमाकेदार एंट्री, पहले ही दिन 40% की तेजी। एमपी में उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में उतारा टीम 11। चीन में कल से महासंसद पत्रकार समेत हर किसी का होगा कोरोना टेस्ट। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू, डीजीसीए करेगी एयरलाइंस की कंपनियों के साथ बैठक। बेंगलुरु में सोनिक बूम की मिस्ट्री खत्म, रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि एयरफोर्स के विमान की थी आवाज। नेपाल के भक्तपुर जिले के अनंतलिंगेश्वर में 3.4 तीव्रता की भूकंप। दिल्ली में आज से खोले गए पार्क गार्डन, सशर्त घूमने की दी गई इजाजत। दिल्ली के मंडोला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुए कोरोना पॉजिटिव। शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स में आई 30 अंकों की गिरावट। श्रीनगर में बीएसएफ के गश्ती दल पर हमला, 2 जवान शहीद। गुजरात में पान तंबाकू की दुकान में लगी भीड़, चंडीगढ़ में 2 महीने बाद खुला गोल्फ क्लब। अम्फान तूफान के बीच फायर सर्विस की गाड़ी में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, अस्पताल ले जाते समय रास्ते पर कई पेड़ गिरे थे। योगी सरकार पर भड़की कांग्रेस, घटिया राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का फंड मंजूर। रेल मंत्री गोयल ने कहा कि 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी, जल्द ही टाइम टेबल आएगा और ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। डोंगरगढ़ में डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर सहित 14 नए कोरोना संक्रमित। पीएम मोदी के गोद लिए जयपुर में गांव वालों ने निगरानी समिति बनाई, 35 लोग बाहर से लौटे हैं लेकिन अभी भी बचा है कोरोना संक्रमण से। साइक्लोन अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत, अब तूफान धीमा पड़ गया है। सीएम ममता बनर्जी ने अम्फान को कोरोना से बड़ी त्रासदी बताया, कहा कि 12 लोगों की हो गई है मौत। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से 5,500 घर हुए तबाह, घर में रह रहे 2 लोगों की मौत व 2 लोग घायल हो गए हैं। कानपुर में सड़क हादसा, ट्रक में सवार 8 प्रवासी मजदूर घायल, हरियाणा से बंगाल जा रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 5 महीने में 50 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना का प्रभाव, घरों में रहने के दौरान बढ़ा लोगों का किराने का बिल, एफएमसीजी उत्पादों की बढ़ी मांग।